आज के समय में सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसको देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाल ही में 4 राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अमित शाह को नया मुख्यमंत्री चुना है। यह चौंकाने वाला निर्णय मंगलवार को विधायक दल की बैठक में लिया गया। इसके अलावा यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ देश के नए गृह मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, लेकिन यह खबर सही नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही यह पेपर की कटिंग फोटोशॉप का कमाल है। जब वायरल हो रही इस कटिंग के बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि यह खबर पूरी तरह फेक है। हमारी आपसे भी अपील है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की खबरों को बिना पड़ताल के किसी को शेयर न करें, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक इस अफवाह की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि और भी लोग ऐसी वायरल खबरों से सतर्क रह जाएं। आपको बता दें, 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ के शहीद पथ पर स्थित इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह में बीजेपी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ कई बड़े नेताओं को भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।